हेलो स्टूडेंट्स, प्लस माइनस के बेसिक में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में क्या होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये जो पोर्शन है, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि दो नंबर को प्लस कैसे, प्लस और कैसे, माइनस कैसे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जबकि एक नंबर कोई माइनस में है, दूसरा भी मान लो माइनस में है, कोई एक नंबर माइनस प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो और उनका फिर डिवीज़न किया जाता है उन नंबर्स का, तो कैसे होता है, तो इन चीज़ों के बारे में पूरा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ में? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है प्लस माइनस के सिंपल, यानी ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे उन जब साइन लगे हुए हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन और या फिर उनका डिवीज़न जो है किस तरह से होगा। राइट, सो गेट रेडी फॉर दैट और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सपोज इसमें दो बातें देखिए, जैसे कि मान लो माइनस टू इंटू माइनस थ्री है, इस टाइप से आपको करना है तो क्या होगा इसका आंसर? माइनस फाइव है इंटू माइनस सिक्स है, फिर क्या होगा इसका आंसर? फाइव इंटू सिक्स होता, देन यू नो दैट कि फाइव सिक्स है थर्टी। इस केस में कैसे होगा? फिर दूसरा केस क्या बन सकता है? एक माइनस में ले लो, एक प्लस में ले लो, क्या होगा? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, एक नंबर माइनस में हो या प्लस में हो, तो उनका जब क्या कराना हो, मल्टीप्लिकेशन। पिछली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं किए थे, ठीक है? इसमें क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीज़न हो, दो चीज़ें इस पर फोकस हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। जब सेम नंबर है, मान लो एक माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, या फिर प्लस में है और मल्टीप्लिकेशन प्लस में है, यानी एक दूसरा नंबर प्लस, पहला नंबर प्लस, पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर भी माइनस, जब दोनों ही नंबर क्या होते हैं, सेम साइन, क्या होते हैं, सेम साइन में हो, ठीक है? जब सेम साइन में है दोनों नंबर, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज क्या हो जाएगा, उनका प्लस साइन ही आएगा, ऑलवेज क्या होगा, प्लस साइन आएगा। समझ लीजिए, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हैं या प्लस प्लस हैं दोनों, तो उनका जो साइन आएगा, यानी जब सेम साइन है, कहने मतलब जब सेम साइन होंगे तो जो आंसर बनेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। नंबर एक बात, ठीक है, क्लियर, प्लस में रहेगा। ध्यान रखिएगा, सेम साइन है, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उनका नंबर क्या होता है, ऑलवेज आंसर जो है किस में आता है, प्लस में आएगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे फाइव इंटू थ्री आप जानते ही हैं फिफ्टीन, माइनस में आंसर नहीं आना है। अब देखिए, माइनस लगा दिया मैंने, माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री, फिर क्या हो जाएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, लेकिन अब साइन का क्या करोगे, मैंने क्या कहा, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, सेम साइन है, तो आंसर तब भी इसका क्या होगा, फिफ्टीन ही होगा, प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ करिए टू इंटू थ्री है, क्या हो जाएगा, सिक्स, फिर अगला क्या है आपका, माइनस टू इंटू माइनस थ्री, राइट। अब इसका भी टू थ्री जा, आप इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कराओगे, टू थ्री जा सिक्स, बाकी ये जो साइन है सेम साइन है ना, माइनस माइनस, तो वैसे वाला मत रटना कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, नो। मल्टीप्लिकेशन के केस में जहाँ कहीं दिखेगा तो आपको ये देखना है क्या, सेम साइन और सेम साइन और अपोजिट साइन का फंडा लगाना है, तो अपोजिट साइन वाला हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, तो हाल फिलहाल ये सेम वाला देखिए, तो सेम साइन है तो आंसर किस में आएगा, ऑलवेज वो प्लस में रहेगा, ठीक है, चाहे वो माइनस माइनस ही क्यों ना हो और चाहे प्लस प्लस ही क्यों ना हो, ऑलवेज जो है आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, बाकी तो मल्टीप्लाई कर ही दोगे, ठीक। नंबर एक बात, दूसरी बात क्या है, सपोज करिए अब एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। एक नंबर मान लीजिए प्लस में है टू, मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, तो टू थ्री जा तो होगा ये, मल्टीप्लाई तो होंगे, टू थ्री जा सिक्स, लेकिन अब साइन का देख लो, अपोजिट साइन जब होंगे
एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, या पहला माइनस में हो, दूसरा प्लस में है, तो ये जब सीन बने काहे का अपोजिट का, ए डबल पी ओ एस आई टी ई, अपोजिट साइन जब होंगे, ठीक है, तो ऑलवेज आंसर किस में आएगा, माइनस में आना है। बाकी मल्टीप्लाई तो करोगे ही, लेकिन आंसर जो है माइनस में आएगा। कैसे, हम देख लेते हैं। माइनस टू माइनस थ्री है, तो टू थ्री सॉरी टू और माइनस थ्री, तो टू थ्री या सिक्स तो हो गया, लेकिन अब साइन देख लो, ये क्या है, टू जो है प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस है, तो ऑलवेज क्या होगा, साइन जो है वो माइनस में आएगा, बात खत्म। सपोज करिए माइनस थ्री इंटू टू है, ठीक, तो एक माइनस में एक प्लस में, अपोजिट साइन हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, टू थ्री या सिक्स, आंसर क्या हो जाएगा, तब भी सिक्स हो जाएगा। यदि यही ऐसे होते हैं, क्या माइनस थ्री इंटू माइनस टू होते, तब पिछली वाली बात, क्या माइनस में है, यानी कि सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स आएगा पॉजिटिव में, यानी कि माइनस नहीं लगना है तब, यानी प्लस का सिक्स हो जाएगा। इतनी सी बात है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, और रिवाइज भी करा देते हैं थोड़ा सा। क्या माइनस टू इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, सेम साइन है, सेम साइन होते हैं तो साइन किस में आता है, पॉजिटिव आता है, यानी टू थ्री जा सिक्स, और प्लस का सिक्स रहेगा, बात खत्म। सपोज करिए माइनस टू है इंटू थ्री है, ये क्या है, अपोजिट साइन है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस अपोजिट साइन होते हैं तो ऑलवेज आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का सिक्स, ठीक। अब टू इंटू माइनस थ्री है तो भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का सिक्स, ठीक। तो इस तरह से होते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस एट इंटू माइनस फाइव, तो माइनस है, सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस मत बोलना, नहीं कन्फ्यूज़न होगा, फिर वहाँ वाले में कन्फ्यूज़ हो गए, जब ये वाला कराना होगा माइनस एट और माइनस फाइव, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आने लगोगे, तो इसलिए ये देखो साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप सेम साइन और अपोजिट साइन वाला फंडा लगाओगे, क्या देख के, मल्टीप्लिकेशन देख के, तो मल्टीप्लिकेशन है, अब सेम साइन है, तो आंसर किस में आना है, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आना है, तो एट फाइव जा फोर्टी, एट फाइव जा फोर्टी, दैट्स इट। और ये वाला पिछला केस था जो पिछली वीडियो में बताया है कि माइनस माइनस हैं तो वो मिल जाएंगे, टेररिस्ट टेररिस्ट हैं तो मिल जाएंगे, बस बात करता, मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ नहीं है, तो मिल जाएंगे लेकिन रहेंगे टेररिस्ट ही, तो एट फाइव जा थर्टीन, ओ सॉरी एट फाइव थर्टीन, एट फाइव थर्टीन, तो ये माइनस का थर्टीन हो जाएगा, रहेंगे टेररिस्ट ही, बात खत्म, तो ये अलग बात हो गई। तो इस टाइप से होता है आपका, राइट।